नमस्कार, वेलकम आप सबों को अन अकेडमी पे। प्यारे बच्चों, आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे कई चैप्टर्स डाउनलोड किए गए हैं। ठीक है, नमस्कार, वेलकम है आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबों को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की मेहनत से ही आज हम लोग 1,00,000 अबव जा रहे हैं और इसे बहुत आगे तक लेके चलना है। तो कुछ बच्चे लोग ने बता रहे थे कि सर डिस्काउंट चैप्टर नहीं हुआ है, और वाकई में कॉमर्शियल चैप्टर में जैसे हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए थे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिए थे, लेकिन हम लोग डिस्काउंट नहीं पढ़े थे। तो आज आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में जानकारी लेना है, और डिस्काउंट के बारे में पढ़ना बहुत मजा आएगा, जितना आप सोचे नहीं होंगे उससे कहीं अधिक मजा आएगा डिस्काउंट के बारे में। कोई अगर आपको ये पढ़ाई को इतना टफ बताता होगा कि डिस्काउंट ऐसे है वैसे है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है, मैं बताऊंगा कैसे, वो लॉजिक मेरी बहुत तगड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट के मतलब समझते क्या है। तो बहुत लोग हम लोग डायरेक्टली हम लोग को कहा जाता है कि भाई डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा। चलिए, चलो डिस्काउंट मतलब बट्टा नहीं तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है, बहुत लोग इसको बताएंगे छूट। ठीक है, बहुत लोग बताएंगे छूट। ठीक है, तो डिस्काउंट मतलब बट्टा या तो छूट हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ही क्या है। कोई लोग बताएंगे सर अंकित मूल्य में, एकदम बढ़िया से सब लोग एक एक चीज एकदम ध्यान से एकदम देखना है, बढ़िया से सुनना है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर वो बच्चे अगर ये डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप परसेंटेज का वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा, तो और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और बात क्योंकि मैं उनका टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करूंगा। अंकित मूल्य में कमी, अब बहुत लोग को ये भी पता नहीं कि अंकित मूल्य होता क्या है। ठीक है, कुछ लोग बताएंगे कि सर अंकित मूल्य को हम लोग एमपी कहते हैं, तो एमपी मतलब होता है क्या भाई। चलिए, मार्केट प्राइस कहलाता है, कहने का मतलब बाजार का मूल्य। अब यहां पर एक बच्चे लोग सभी लोग कंफ्यूज होते हैं एमआरपी। एमआरपी कहने का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये होता है उत्पादनकर्ता एक दाम को फिक्स करके भेज देता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ने दवाई को बनाया, बड़े बड़े प्रोडक्ट ने शैंपू बनाया, तो ये सब क्या है ना, ये सब दाम को फिक्स करके भेजते हैं। इसके दाम में हम यहां पर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर ये दाम शुरू से छप के आया 300, तो वो 300 पे ही आगे पीछे कुछ होगा, एमआरपी हो गया। लेकिन एमपी को बार बार हम लोग यहां पर बदल सकते हैं, जैसे दुकानदार लाया ना, दुकानदार ने पुराना मूल्य का स्टिकर को उचाड़ के फेंक दिया, नया अपना स्टिकर डाल दिया, मतलब ये हर बार वो चेंज हो जाता। लेकिन कहने का मतलब है दोनों का निर्धारित मूल्य है। एमपी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्धारित मूल्य। अब यह निर्धारित मूल्य कोई भी कर सकता है, उत्पादनकर्ता जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी कर सकते हैं, या तो कोई दुकानदार के पास अगर सामान आया तो वो भी कर सकते हैं। जैसे इस मार्कर को मैंने खरीद के लाया, इसका कोई प्रिंट व्रिंट इसमें नहीं है। अब इस मार्कर को 20 रुपए हमने खरीद के लेके आया, इसका दाम हम अपने मन से 30 भी रख सकते हैं, 40 भी रख सकते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये दाम यहां पे छपा हुआ है, मतलब कंपनी ने उसका दाम पहले से फिक्स करके रखा है। अब हो सके कम डिस्काउंट। अब यहां पर सबसे बड़ी मजे की बात थी कि बट्टा, डिस्काउंट मतलब होता क्या है। तो डिस्काउंट मतलब कोई को बताएंगे कि बट्टा होगा, कोई बताएंगे छूट होगा, कोई बताएंगे अंकित मूल्य में कमी होगी। हमें तो अंकित मूल्य ही पता नहीं कि अंकित मूल्य मतलब होता क्या है, सो सब जानेंगे बेहतर तरीके से जानेंगे। तो डिस्काउंट को हम अपने लैंग्वेज में क्या कहेंगे सो जानिएगा। डिस्काउंट मतलब होता लालच। आप यहां पर सामान से ध्यान दीजिए, अगर कोई सामान यहां पर 500 रुपया का है और यहां पे दो दुकानें हैं, एक दुकान यहां पर यह है और एक दुकान यहां पर यह है, दोनों का एकदम एक दोनों दुकान में एक ही मतलब यही 500 रुपया वाला सामान है, ध्यान दीजिएगा, दोनों के पास सेम ऑब्जेक्ट है, सेम सामान है 500 500, लेकिन यह दुकानदार हमको 20% का डिस्काउंट दे रहा है और यह दुकानदार हमको 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो कस्टमर के लिए कौन फायदेमंद है? तो कस्टमर के लिए 25% डिस्काउंट है। जब भी हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तुरंत डिस्काउंट, आजकल तो कोचिंगों में फीस में भी डिस्काउंट, अगर 5,000 फीस है तो सर क्या डिस्काउंट है, मतलब सब में डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट का मतलब होता है क्या, ध्यान दीजिए, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, लालच। जहां अधिक डिस्काउंट देगा, जाहिर सी बात है कस्टमर वहीं पर लोग जाएंगे, क्योंकि वहां पर कस्टमर को अधिक फायदा होता है। तो आप लोग, मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, मैं डिफिनेशन बता दे रहा हूं, एक बार पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद में वीडियो देख के लिख लीजिएगा। बट्टा उसे कहते हैं, हम अपना डेफिनेशन दे रहे हैं,
जब कोई दुकानदार अपने वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए ग्राहक को आकर्षित करने के लिए एक प्रकार का लालच देता है, और वही लालच जो होती है वह बट्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम बेहतर तरीके से नोट करके लिख लेंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बट्टा। अब बट्टा के बारे में जान लिए, अब जानिए अंकित मूल्य क्या होती है। तो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य को इंग्लिश में हम लोग एमपी कहते हैं, हिंदी में दूसरा नाम इसका सूची मूल्य भी है। और अंकित मूल्य का डिफिनेशन मैं ये बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। अंकित मूल्य एकदम गौर से देखेंगे, जब कोई उत्पादन करता या दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करता है तो वह निर्धारित मूल्य जो होती है वही अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, वही अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य को सूची मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य को हम एमपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, यह चैप्टर पढ़ने के पहले आप, मैं जरूर बता दूंगा कि परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे है अंकित मूल्य, एकदम एक एक चीज कॉन्सेप्ट को एकदम लीजिएगा। अंकित मूल्य यहां पे है, यहां पे बट्टा मिला, बट्टा मिलने के बाद उस वस्तु को बेच दिया गया, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य यहां पर इसे बेच दिया गया, और यहां पर बेचने पर, बेचने के कंडीशंस में दो ही चीज हो सकती है, एक बार या तो लाभ होगा या तो एक बार हानि होगी। और इन कंडीशंस पे ध्यान में रखता है कि सबसे लास्ट में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा इंग्लिश में लिख दें, एमपी, एकदम पहले आराम से वीडियो को देखिए उसके बाद नोट्स बनाइएगा। एमपी, फिर क्या है, डिस्काउंट, फिर यहां से क्या होगा, एसपी। यहां पर दो ही कंडीशंस होगी, एक होगा प्रॉफिट, दूसरा होगा लॉस, और ये होगा यहां पे सीपी। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस ग्राफ को याद रखने के लिए हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं आपको, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, वो फॉर्मूला क्या है। सभी लोग अपने हाथ के एक एक अंगुली को एकदम बेहतर तरीके से समझ के लिखिएगा, जैसे मैं पहले फिगर बना रहा हूं, एक एक चीज एकदम सिखा, फिगर पे नजर मत लगाइएगा। ठीक है, ये देखिए हमारी हाथ है, हम लोग अपने हाथ पे ही पूरा डिस्काउंट को रखेंगे। ये वाली जो अंगुली है, ये वाली अंगुली, इस अंगुली को हम लोग कहेंगे एमपी, और ये वाली जो अंगुली है, ये वाली इसके बाद वाली अंगुली, ये कहलाएगा डिस्काउंट परसेंट। ये जो अंगुली है, ये कहलाएगा एसपी। ये जो अंगुली है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। और ये जो अंगुली है, ये सीपी। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमको एमपी से एसपी जाना है तो बीच में डिस्काउंट परसेंट आएगा। और आप लोग को यह भी पता है कि जब भी हमको प्रॉफिट से सीपी में जाना है, सॉरी, विक्रय मूल्य से सीपी में जाना है, तो हमारे बीच में कौन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज आप लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज बेहतर तरीके से सीखेंगे जैसे मैं सिखा रहा हूं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर आपको यह भी चीज समझ में आ गया कि सर अंकित मूल्य मतलब क्या होता है। दूसरा चीज ये भी समझ में आ गया कि बट्टा किसे कहते हैं। एक चीज नोट आप लोग सभी बच्चे ध्यान देंगे, थोड़ा इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट आउट लेके फिर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, एक चीज यहां पर ध्यान से एकदम नोट करके लिख लीजिएगा, बट्टा मतलब डिस्काउंट परसेंट की तुलना जो होती है, नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, डिस्काउंट परसेंट की तुलना जो होती है वो सदैव अंकित मूल्य पर किया जाता है। जिससे, जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की जो भी तुलना हम लोग करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की तुलना जब भी हम लोग करेंगे तो वो क्रय मूल्य पर होता है। उसी तरीके से डिस्काउंट परसेंट का जब भी हम लोग तुलना करते हैं तो क्या होगा, वो अंकित मूल्य पर होगा। एक छोटा छोटा फॉर्मूला मैं लिख दूं, देखिए, डिस्काउंट बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां पर ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एमपी बराबर आप लिख सकते हैं विक्रय मूल्य प्लस डिस्काउंट। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर लिख सकते हैं आप अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो मैंने अभी जस्ट बताया कि डिस्काउंट की सदैव जो तुलना होगी वो एमपी पर होगा। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100। ठीक है, अब यहां पे गौर करेंगे। ठीक है,
एक एक चीज बहुत बेहतर तरीके से ध्यान। टोटल जितना टाइप नंबर 8 है इसमें, टोटल टाइप 8 है, 8 वीडियो बनेगी, बहुत बेहतर से बनेगी और एक एक चीज एकदम ध्यान से देखेंगे। ये नहीं कि पहला दिन वाला वीडियो देख लेंगे फिर दूसरा छोड़ेंगे फिर तीसरा देखेंगे, मजा नहीं आएगा। कंटिन्यू सभी वीडियो को देख के खत्म करना है, ठीक है। तो चलिए इसका मास्टर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। इसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं परसेंटेज को, और परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 का वीडियो यहां पे जबरदस्त यूज होगा। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या है सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले लिख लीजिए आप लोग मास्टर फॉर्मूला इसका, मास्टर फॉर्मूला अंकित मूल्य गुने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 1/100, यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज 1 लिखिए कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग, गुने 100 माइनस परसेंटेज 2/100 गुने 100 माइनस परसेंटेज 3/100 बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर एक बट्टा देगा तो यहां तक जाएंगे, दो बट्टा देगा यहां तक जाएंगे, तीन बट्टा देगा यहां तक, मैक्सिमम 3 से 4 बट्टा देता है, उससे अधिक नहीं देते। अब जैसे यहां पर 20% का बट्टा देगा तो हम लोग यहां पर 100 माइनस 20 लिखेंगे, 30% का बट्टा देगा 100 माइनस 30 लिखेंगे। तो यहां पर हर बार बताइए कि कितना लेंदी हम लोग बनाएंगे, एग्जाम से उतना हम लोग का समय नहीं रहता है। तो जो बच्चे लोग फ्रैक्शंस नहीं पढ़े थे, अब सभी बच्चे लोग को मैं बता दूं, 20% मतलब होता है 1/5, और जब 20% की हम लोग यहां पर कमी करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 5 में 1 कम हो जाएगा 4/5। ये मैं शॉर्टकट में थोड़ा बता दे रहा हूं, लेकिन इसका एकदम जबरदस्त रूप से कॉन्सेप्ट में परसेंटेज पार्ट नंबर 6 के वीडियो में दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। जैसे 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3% को हम लोग 1/6, और 1/6 अगर कहीं कमी देगा, कमी मतलब बट्टा देगा, 16 सही 2/3% का बट्टा देगा, तो जब बट्टा देगा मतलब कमी, बट्टा मतलब माइनस, इसका मतलब होता है 1/6, और जब 1/6 देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 में 1 कम कर देंगे, लिखेंगे 5/6। जैसे क्वेश्चन है 14 सही 2/7%, इसको फ्रैक्शन में 1/7 लिखते हैं, लेकिन जब बट्टा देगा तो माइनस होगा, कहने का मतलब है जब 14 सही 2/7% का बट्टा देगा तो हम लोग वहां पर लिखेंगे 6/7। ध्यान दीजिएगा 12.5%, 12.5% बराबर 1/8 होता है, लेकिन जब वहां बट्टा देगा तो 8 में कम हो जाएगा 7/8। 37 सही 1/2%, इसका मतलब हमने 3/8 बताया था, लेकिन जब बट्टा देगा तो वहां पर हो जाएगा 5/8, बट्टा मतलब होता है कमी, अंकित मूल्य में कमी, ठीक है। अगर 25% दिया गया है तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, लेकिन जब बट्टा देगा तो 4 में 1 कम हो जाएगा 3/4। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, में पूरा चैप्टर इसी से खत्म करूंगा, आप लोग ध्यान से एक एक चीज एकदम बेहतर तरीके से देखिएगा और एक एक चीज बेहतर तरीके से समझिएगा, ठीक है। और आप लोगों को आज एक गुड न्यूज मैं दूंगा, बहुत बेहतर गुड न्यूज है, ठीक है। वो अभी नहीं, सबसे लास्ट में जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तब वहां पर हम लोग आपको जानकारी दी जाएगी। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता दिया हूं, बाकी पूरी फ्रैक्शन में वहां पर परसेंटेज में पढ़ाया था, आप वहां पर जाके पढ़ें और एक एक चीज एकदम बेहतर तरीके से सीखें। अब हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फिर से, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अगर दिया गया है तो 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे मतलब 20% देगा, तो डायरेक्टली हम लोग 4/5 लिखेंगे। 12.5% अगर बट्टा देगा डायरेक्टली हम लोग 7/8 लिखेंगे। 37.5% देगा तो 3/8 मतलब माइनस करना 5/8 लिखेंगे, डायरेक्ट इक्वल टू विक्रय मूल्य, ठीक है। बहुत बढ़िया से एक एक चीज एकदम आराम से सीखते चलेंगे, एक एक चीज आप लोग बेहतर तरीके से जानते चलेंगे, लेकिन हर बार हम लोग फॉर्मूला का यूज वहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। ये फ्रैक्शंस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग गौर से एकदम देखेंगे, एक एक चीज एकदम मजे से सीखेंगे। जिस बच्चे को फ्रैक्शंस नहीं आता है वो सबसे पहले फ्रैक्शंस वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, परसेंटेज जाके प्लेलिस्ट में जाइए और परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 देखिए, बहुत मजा आएगा। उसके बाद इसको देखिएगा तो और आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं, बट्टा मतलब अंकित मूल्य में कमी, दैट मीन्स वहां पर माइनस होगा, ठीक है। टाइप 1 पहला है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के आधार पर जब अंकित मूल्य और एमपी डिस्काउंट परसेंट दिया गया हो तो। सबसे पहला सवाल एकदम आराम से देखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9000 है, इस वस्तु पर 11 सही 1/9% छूट देकर बेच दिया जाता है। कहने का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया था, अंकित मूल्य दिया गया 9000 और बट्टा जो है 11 सही 1/9%, इतना बराबर कितना होता है 1/9 होता है,
जब बट्टा देगा तो कितना लिखेंगे हम लोग, 8/9, 8/9, 9 से इसको काट दीजिए, 1000 को 8 से गुना कीजिए, 8000 हमारा आंसर आ गया, सही है ना। पहला क्वेश्चन, ये बेसिक लेवल है, फिर से ये नहीं कि एडवांस लेवल, बहुत बेहतर तरीके से एडवांस लेवल भी है, यानी पहले बेसिक लेवल सीखिए उसके बाद एडवांस लेवल सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि यहां हर प्रकार के बच्चे को ध्यान में रखना है, केवल बड़े एडवांस वाले बच्चे को नहीं, जूनियर से लेके एकदम सीखना है तो एकदम जीरो से सीखिए, एकदम इन्फिनाइट तक सिखाएंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर दूसरा सवाल देखिएगा, एक घड़ी का अंकित मूल्य 8000 रुपया है और उसे 37 सही 1/2% बराबर होता है बेटा 3/8, और जब यहां पर डिस्काउंट देगा तो जाएगा 5/8, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखिएगा, यहां पर अंकित मूल्य 8000 दिया गया और 8000 में 37 सही 1/2% का बट्टा देगा, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 5/8, 8 से इसको काटेंगे, 1000 को 5 से गुना करेंगे, आंसर आ गया 5000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7000 है और इस वस्तु को बेचते समय दो लगातार बट्टा कितना कितना है, 28 सही 4/7%, जिसका ट्रीट अगर हम लोग करते हैं तो 2/7 होगा, यानी बट्टा देगा तो 7 में 2 घट जाएगा, 5/7, ठीक है। और दूसरा बट्टा है 20%, और 20% को हम लोग क्या कहेंगे, 1/5, लेकिन जब बट्टा देगा तो क्या हो जाएगा, 4/5। तो 7000 है और इस पर 2 बट्टा दिया जाता है और इसके बाद इसे बेच दिया जाता है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 7000, और जब 2 बट्टा देगा, 28 सही 4/7 है, तो जब ये बट्टा देगा तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 5/7, और जब 20% का बट्टा देगा तो हम लोग लिखेंगे 4/5। एकदम एक एक चीज हम बढ़िया से सीखेंगे, थोड़ी सी भी स्पीड नहीं है, 5 से 5 कटेगा, 7 से काटेंगे 1000, और 1000 को 4 से गुना करेंगे, इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 4000 होगा। समझ में आ रहा है ना सब लोग को, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं हिंट के तौर पर मैं सब में बता भी दे रहा हूं, अगर जो बच्चे वहां पर नहीं भी पढ़े हैं तो यहां पर उनको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए शुरू से, है ना। एक एक पार्ट को देखिएगा, एक एकदम बहुत मजा लगेगा, एकदम समझ लीजिए चूंटा चैप्टर है, चूंटी की तरह एकदम इजीली, एकदम बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। लेकिन जब आप लॉजिक जानोगे तभी आपको इजी लगेगा, अन्यथा ये क्वेश्चंस टफ लगेंगे। अब फ्रैक्शन जो जिनको नहीं आएगा वो 100 में बनाएगा, बहुत लेंथी बनेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपया है, इस वस्तु को बेचते समय 2 लगातार बट्टा क्रमशः 16 सही 2/3% तथा 20% देने के बाद, मैं फिर से हिंट में लिख दूं, 16 सही 2/3% बराबर 1/6, और जब बट्टा देगा तो हो जाएगा ये 6 में 1 कम हो जाएगा 5/6, और दूसरा डिस्काउंट है 20%, और 20% है तो 20% बराबर होगा 1/5, लेकिन जब बट्टा देगा तो हो जाएगा 4/5। अब देखिए आसान हो गया बनाना, है ना। तो यहाँ पे 4 नंबर हम लोग लिखते हैं, 6000 था, 6000 में पहला डिस्काउंट 16 सही 2/3 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 5/6, दूसरा डिस्काउंट 20 है 4/5, 5 से 5 खत्म हो गया, 6 से काटिए इसको, 1000, 1000 को 4 से गुना करेंगे आंसर कितना हो जाएगा, 4000 होगा, ठीक है। एक एक चीज एकदम बहुत बेहतर है। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है, एक एसी का अंकित मूल्य 28000 है, इस वस्तु को बेचते समय 2 लगातार बट्टा 14 सही 2/7% 14 सही 2/7% बराबर होता है 1/7, और जब बट्टा देगा हो जाएगा 6/7, ठीक है। और 20% बराबर, जस्ट मैंने यहां पे लिखा है 1/5, तो हो जाएगा वो 4/5। तो इसका अंकित मूल्य है 28000, लिख देते हैं हम लोग 28000, ठीक है। 14 सही 2/7% तो उसको हम लोग लिखेंगे 6/7, उसके बाद है 20% को लिखेंगे 4/5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आराम से काटेंगे, 7 से काटेंगे 7 से 28 4000, फिर 5 से इसको काट सकते हैं 8 × 5 = 40 800, ठीक है। 800 × 24 24 × 8 = 192, तो यहां पे 19200 आ जाएगा इसी का। क्वेश्चन नंबर सिक्स में 4 बट्टा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, पहला है 9 सही 1/11%, दूसरा है 9 सही 1/11 बराबर होता है 1/11, जब कमी करेंगे तो 10/11, 20% है, 20% का तो मैं यहां पे लिख ही दिया हूं 1/5, 12.5% बराबर जानते ही है 1/8 होगा,
14 × 2/7% 14 × 2/7% बराबर होगा 1/7। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1100 है। अब सवाल पर ध्यान दीजिएगा, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1100 रुपया है। यदि इस घड़ी को बेचते समय दुकानदार द्वारा क्रमशः 9 × 1/11%, 20%, 12.5% और 14 × 2/7%, ठीक है, पहला बट्टा, यहां पर ध्यान दीजिए, 1100 लिख दिए, 9 × 1/11 और 1/11 बराबर मैंने भी जस्ट बताया, 1/11 बट्टा देगा तो हो जाएगा 10/11, ठीक है। नेक्स्ट है 20% मतलब 4/5, उसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली 4/5, ठीक है। 12.5% 1/8, उसको हमको लिखना है 7/8, ठीक है। 14 × 2/7% 14 × 2/7% को हम लोग को क्या लिखना है, 1/7 6/7। आप देखिए काटना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे काट रहे हैं। हम 7 से 7 काट देंगे, 11 से काटेंगे 100, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 40, 100 को 6 से गुना करेंगे, हमारा जो आंसर आ गया वो 600 आंसर आ गया, ठीक है। तो सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज आप लोग बेहतर तरीके से जानेंगे, तो यहां पे एक एक चीज आप लोग बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हम लोग पार्ट वन, जितना भी पार्ट होगा, जितने भी, देखिए ये लंबी लंबी वीडियो नहीं बन पाएगी, 10 मिनट 12 मिनट करके ही वीडियो बनेंगे, क्योंकि प्रत्येक में से प्रत्येक टाइप में 6-6 क्वेश्चन है और प्रत्येक टाइप का मैं अलग अलग ही चाहता हूं, क्योंकि आपका हौच पच ना हो और आप बेहतर तरीके से सीख सकें, ठीक है। तो आप सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, आप जैसे ही, आपको मैं बताया था कि 1 लाख होने के बाद आप लोग को मैं कुछ सरप्राइज दूंगा, तो सरप्राइज ये है कि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश क्लासेस अलग चैनल पे लेके आया हूँ और बहुत बेहतर तरीके से हैं, क्योंकि वो सर अलग प्लेटफॉर्म, मैं किसी को नहीं चाहता हूं कि एक ही चैनल में सब हौच पच हो, सब टीचर जितने भी आए सब लोग के लिए स्पेशलिस्ट जो है सब लोग के लिए अलग अलग से चैनल्स बनाए जाए। तो सर को मैं जो लेके आया हूं, आप सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही तगड़ी, जिस तरीके से मैथ्स में आपको बहुत मजा आता है उस तरह इंग्लिश में बहुत मजा आएगा। तो जो जिस बच्चे लोग को इंग्लिश इंटरेस्टिंग है, मैं चैनल का नाम दे दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी रहेगा, आप वहां पर भी जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। तो सभी बच्चे लोग, अगर हम पे विश्वास है तो जाके चैनल को बेहतर तरीके से जाके उनको सबसे पहले देख के बेहतर तरीके से सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद कंटिन्यू देखिए, वहां पर भी आपको रोज एक वीडियो प्रत्येक दिन मिलेंगे। मैंने इतना कमिटमेंट करके उनको लेके आया है कि नहीं, रेगुलरिटी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देख लीजिए, आंधी आए, पानी आए, इतनी गर्मी रही, कुछ भी रहा, लेकिन एक दिन, जिस दिन से वीडियो स्टार्ट है 31 मार्च से, एक भी दिन हो सके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण वीडियो हम लोग का नहीं आ पा रहा था, उतने दिनों में अगर देखा जाए तो एक वीडियो, एक दो दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हुआ कि कंटिन्यू एक एक दिन में दो दो वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो सर से भी मैं बहुत बेहतर तरीके से बात किया हूं, तो चैनल का मैं नाम बता दे रहा हूं, एक एक जन जाके आज चैनल देखिए, हम अपने चैनल्स के लिए मैंने आज तक कभी किसी को सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझमें खुद पावर है, ठीक है, तो मैं खुद अपने चैनल को ग्रो करवा सकता हूं, क्योंकि ठीक है। लेकिन यहां पे सर का न्यू लेके आया हूं, इसलिए मैं आप सभी बच्चे को बता दूं, ठीक है, आप लोग वहां पे एंजल अलाहाबाद आप डायरेक्टली डालेंगे और चैनल सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तो आपको जाके मिल जाएगा। वहां से आप लोग चैनल बेहतर तरीके से सब्सक्राइब करके बेल आइकन की जो बटन होती है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस एवरीडे मिलते रहेगा कि कब सर का वीडियो आ रहा है। जैसे कुछ बच्चे लोग क्या ना कि चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल वाली जो बटन होती है ना, आदि आप इसको दबाओगे, जब इधर इधर और इधर इधर आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए नीचे लिखेगा, मतलब यू गेट ऑल नोटिफिकेशंस, मतलब जितने भी इस चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशंस होगी वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपने चैनल्स के लिए आज तक मैं अपना प्रमोशंस खुद नहीं किया, लेकिन मुझे दूसरे के लिए करना पड़ा, क्योंकि ये आपके लिए मैं बहुत अधिक फायदेमंद होगा, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सर से बहुत अधिक रिक्वेस्ट करने के बाद। आप लोग वहां पर भी जाइए और बहुत शिद्दत से सर पढ़ाते हैं, बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए और अपने आपको रिजल्ट सिलेक्शन दीजिए, ठीक है। या तो सर का नाम मैं बता दूं, हाँ, धीरेन्द्र यादव सर, ठीक है, आप लोग इस तरह भी वहां पे सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश बाय धीरेन्द्र यादव सर, ठीक है। प्यारे बच्चों जाके एकदम अभी जस्ट ही जैसे यहां पे ये वीडियो खत्म होगा, यहां पर भी उनका लिंक दिया रहेगा, बेहतर तरीके से देखिएगा, जब भी हमारी वीडियो खत्म होगी तो इंग्लिश वाला क्लास का लेक्चर वहां पे
लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप उस लिंक में क्लिक करके भी बेहतर तरीके से आप लोग जा सकते हैं और बेहतर तरीके से इंग्लिश पढ़िए। और कैसा लगेगा नहीं लगेगा कमेंट में भी जरूर लिखिए, ठीक है कि नहीं, बेहतर तरीके से सर को भी पता चले कि हमारे कितने स्टूडेंट्स बेहतर हैं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, बस आज के लिए यहीं पे, ओके गुड बाय, थैंक यू।